आवा मछली रंग बिरंग के है, मरवाला, रेहूला, झींगा है, नैनी है, रेहू है। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों एक बार फिर आपको नए जगह पे लेके आ चुके हैं। अभी हैं कहाँ हम? अभी आए हैं ये दरभंगा के टावर चौक के पास, केला मंडी है इसी के पास है ये सूरज मीट हाउस, काफ़ी फेमस होटल है ये दरभंगा का। और यहाँ पे जो है मीट के अलावा और भी कई चीज़ खाने को मिलता है। तो चलिए यहाँ के खाना को एक्सप्लोर करते हैं और टेस्ट करते हैं और आप तक यहाँ का स्वाद पहुँचाते हैं। आप क्या खाए हैं? मीट भात, 100 ग्राम मीट चावल है ना, तो 30 रुपया मटन का हुआ, अभी चावल का हुआ और 100 रुपया मीट का हुआ, दोनों टर्च हुआ तो 130 रुपया खर्च हुआ। ऊपर से इतना ना लिए हैं चावल, तब तक 145 रुपया हो गया। और आप चावल गरम निकालना, दुकानदार झूठ नहीं बोलेगा तो पेट भरेगा, बताइए। तो अभी एक ही बार सब तो उसको 10 मिनट झांप के रखते हैं, ऊपर का चावल तौर में चला गया, तड़का चावल ऊपर आता है तब एक कलर में आता है, नहीं तो रीढ़ा हो जाता है। अब मछली रंग बिरंग के है, मरवाला, रेहूला। तो अंकल जी यहाँ का ओनर है आपका? हाँ हो। तो क्या क्या खिलाते हैं? मीट चावल खिलाते हैं। मीट चावल जी हाँ। मछली में? मछली है देसी, देखते नहीं हैं, रेवा है, झींगा है, नैनी है, रेहू है, एम एस सौरी है, गिलास कॉप है, मारा मछली है। वो छोटा वाला कौन है? मारा, मारा उसको बोलते हैं जी हाँ। इस तो यहाँ पे कितने दिन से खिला रहे हैं? आज से खिला रहे हैं, बहुत दिन जमाना हो गया, 40 वर्ष से बेसी हो गया हमारा यहाँ बैठा रहा हुआ। 40 वर्ष से ज्यादा? तो उस समय हम कचूरा भी बेचते थे, एक आना के 4 गो कच बेचते थे जब यहाँ बैठ के। मछली पीस वाला खेबू ना, देखा था कौन सन पीस ले? चलो हम ही देखिए। वैसे यहाँ पे ग्रेवी और इसको डालने के बाद फिर से फ्राई करते हैं? नहीं, इसको फ्राई में बना हुआ है, अब रोस्ट में बना के देंगे ना, तो ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे तो कोई झंझट करता रहेगा। तो इसमें मूरा और पोछी है, ये पूरा पीस है, जिसको जो पसंद हुआ गर्म किए आगे में ले लिए। हाँ अच्छा, इसका रेट क्या रखे मटन का? 100 रुपये का 100 ग्राम मीट है, 50 रुपये का 50 ग्राम, 1000 रुपये के जी पड़ता है। ये कौन सा है? नैनी है, 20 रुपये पीस है। 20 रुपये पीस है। ये झींगा है, 120 रुपये का 100 ग्राम। 120 रुपये का 100 ग्राम जी हाँ, बहुत ही कॉस्टली है। उसके बाद ये आ गया रेवा। हाँ ये रेवा है। तो उसका रेट क्या है? 50 रुपये पीस है। 50 रुपये। तो इसमें उसमें फर्क क्या है बताइए? इसमें ये नहीं है, इसमें कांटा बेसी होगा, वो सॉफ्ट है, गुद्दा बेसी होगा, कांटा कम गड़ेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। फिर रेहू का? रेहू है, बढ़िया है, उसमें रेहू भी है, गिलास कॉप भी है, दोनों मिला हुआ है जी हाँ। जिसको जो पसंद हुआ आदेश दिया हम दिए, वो छिपा दीजिए। यहाँ पे देखिए इनका ये मटन ग्रेवी का गाढ़ा गाढ़ा है, देखने में बहुत ही जायकेदार लग रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा बना था, यहाँ पे इतना ही मात्रा में ये रखते हैं और देखते ही देखते खत्म हो गया, ऑनलाइन भी पेमेंट ले लेते हैं। हाँ तो होटल है तो टोटल ना लेना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ आने के लिए एड्रेस क्या होगा? कोई आना चाहिए टावर से पश्चिम में आइएगा, केला मंडी में सूरज मीट हाउस, किसी से भी पूछेगा वो बता देगा। दरभंगा में लड़ेसराय में दरभंगा स्टेशन पर कहीं भी पूछेगा, सूरज मीट हाउस बता देगा आपको। अब जैसे एक प्लेन से उतरता है डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाता है रिक्शा से। हाँ जैसे प्लेन चालू हुआ है उससे तावर मुझे मांस मछली जाने लगता है, उसे भी बाहर ही यहाँ से बाहर भी। हाँ खाते भी हैं, ले आते, पूछे ना कहाँ कहाँ ले गए हैं, कहाँ कहाँ ले जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाता है, बेंगलोर जाता है, कलकत्ता जाता है, बम्बई जाता है, यहाँ से पैकिंग। हाँ प्लेन से खाता है और पैक सब जगह जाता है। वैसे देखने में छोटा जगह लगता है, काउंटर जहाँ पे वहाँ पे देखिए बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इनका ये खाने का जगह है जहाँ पे लोग बैठ के खाते हैं, और अंदर भी है, अंदर पे यहाँ पे देखिए और वहाँ पे मटन बनाया जाता है ये सारा आइटम, और अंदर में भी खाने का आइटम है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे फिर मटन बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, पहला वाला ख़त्म हो गया लगभग 2 घंटा में, वो ये आधा कढ़ाई था, कितना था मटन? 10-15 किलो था, 15 केजी, लगभग 2 घंटा में 15 केजी मटन इनका ख़त्म हो गया है, और फिर बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं, और दिन का लगभग 1 बज रहा है अभी। इधर भैया खा रहे हैं मटन, क्या भैया स्वाद नॉर्मल है? नॉर्मल है हाँ, कुछ ऐसा हमको, हम मोतिहारी से आए हैं स्पेशली खाने के लिए। हाँ
लेकिन हमको कुछ वैसा नहीं लगा, ठीक ठाक है। ठीक ठाक एकदम मीडियम में ठीक ठाक है। हाँ। वैसे पहली बार आए खाने के लिए। हाँ, लेकिन इससे अच्छा स्वाद हमको लगा गर्दनी बाग में जो A1 डिट्टी मशरूम शॉप है। हाँ, पटना में। हाँ, A1 डिट्टी मटन, उसका मटन का स्वाद पटना वाला का। पटना वो लाजवाब है। हम जनरली हम भी फूडी हैं, खाते रहते हैं। आप लोग वीडियो बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते लेकिन खाते रहते हैं घूम घूम के। तो हमको गर्दनी बाग का सबसे बेस्ट लगा, ये चलेगा बिहार में। हाँ, लेकिन इस एरिया में, इस एरिया में तो हमको बस पहली बार दरभंगा आए सिर्फ खाने के लिए। हाँ। सूरज मीट शॉप खा रहे हैं। बढ़िया। तो चलिए, सूरज मीट हाउस का मेरे लिए मटन लग गया है। वैसे देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चावल का क्वालिटी का बात करें तो ये देखिए, फ्रेश फ्रेश चावल यहाँ पे खिलाया जाता है। 100 रुपया का ये सिर्फ मटन है, उसके बाद 30 रुपया का ये चावल आ गया है एक प्लेट। चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। ये देखिए ग्रेवी कितना बढ़िया है, ये एकदम मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी है। तो इसको टेस्ट किया जाए। अब ये देखिए, ओह ये आ गया लड़, पतला वाला लड़ है। वैसे इसका खुशबू जो है ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है। स्वाद बढ़िया है, एकदम से वो वाला स्वाद नहीं है कि हाँ एकदम गजब का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन बढ़िया इस इलाके में तो हमको लगता है कि सबसे बढ़िया यहाँ का स्वाद है। मसाला जो है थोड़ा सा और भुंजा जाना चाहिए, तो थोड़ा सा थोड़ा मीठापन आ रहा है ये प्याज का, बाकी हर एक चीज़ ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना काफ़ी फास्ट बिकता है, जब हम आए थे तो तब बन ही रहा था, लेकिन जैसे ही 1 से 2 घंटा हुआ सारा चीज़ हम शूट कर रहे हैं तब तक में इनका मटन जो है लगभग ख़त्म हो गया, फिर से बनना भी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए मटन का पीस बहुत बढ़िया से गला हुआ है, आराम से दाब रहे तो ये निकल जा रहे, देखिए। और ये एकदम अंदर से दिख रहा है मटन ही है, तो इसको टेस्ट किया जाए। ये देखिए आ गया चावल ग्रेवी और पीस। इसके साथ में खाने में लग रहा कि हाँ मटन खा रहे, लेकिन ग्रेवी जो है ना उस टाइप का नहीं है कि हम मटन का हम ग्रेवी खा रहे हैं, थोड़ा सा और हार्ड होना चाहिए मटन का ग्रेवी। काफ़ी बढ़िया है ये मटन का पीस जाता है तब लगता है कि हाँ मटन हम खा रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इस प्लेट को ख़त्म करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जगह के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।